संतो बोले ते जग मारे, अन बोले ते कैसे बनी है, शब्द ही कोई न विचारे। पहले जन्म पुत्र का भयो, बाप जन्मिया पाछे, बाप पुत की एक नारी ई अचरज कोई काछे। दुंदुर राजा टीका बैठे, बिशहर करे खवासी, स्वान बापुरा धरन ढाकनो, बिल्ली घर में दासी। कार दुकार कार करियागे, बैल करे पटवारी, काहे कबीर सुनो संतो, भैंसे न्याव निबेरी। इसमें सदगुरु ने उल्टवासी में कहा, उल्टवासी उनको बहुत प्रिय थी। उल्टवासी का मतलब है उल्टवा सी, उल्टवा यानी उल्टा सी नाम समान, जो उल्टे के समान लगे लेकिन उल्टा न रहे, उल्टवासी। संतो बोले थे जग मारे, ऐ संतो अगर सत्य बात कहो तो जगत के लोग मारने दौड़ते। न्याय और निर्णय का आदर संसार में बहुत कम है, पाखंड का धूर्तता का बहुत बड़ा आदर है। अनबोले थे कैसे बनी है, लेकिन अनबोला हो जाने से, चुप हो जाने से कैसे बनेगा, कहना तो पड़ेगा। शब्द ही कोई न विचार है, शब्दों का कोई विचार नहीं करता है। जो शब्द सुनते हैं लोग मान लेते हैं। काहीं कबीर भटकत फिरे, पकड़ शब्द की छाए। शब्दों की छाया पकड़ करके लोग घूमते हैं, लिखा है लिखा है लिखा है, लिखा तो है लेकिन विचार भी तो करना चाहिए कि वो रोचक है, भयानक है, यथार्थ है, कैसे है। जो शब्द हमारे सामने आए उस पर हमें विचार करना चाहिए। पहले जन्म पुत्र का भय, वो बाप जन्मिया पाछे। पहले पुत्र जन्मा तब बाप पीछे जन्मा। अब ये बात कोई कहेगा तो मारा जाएगा, लेकिन साहब कहते नहीं, मेरी बात सच है, तुम्हारी बात गलत है। पहले पुत्र जन्मता है तब बाप जन्मता है। किसी व्यक्ति का अस्तित्व संसार में जब आता है वो पुत्र होता है, इसलिए पहले पुत्र होता है। हर आदमी पुत्र के रूप में ही संसार में आता है। बाप जन्मिया पाछे, उसमें बापपन, पितापन, पितृत्व पीछे जन्म लेता है। हर इंसान पुत्र के रूप में संसार में जन्म लेता है, उसके पश्चात जवान होने पर जब उसकी शादी होती है और बच्चे होते हैं तब वो पुत्र पिता होता है। इसलिए हर इंसान पहले पुत्र के रूप में आता है तब पिता बनता है। अगर पुत्र के संस्कार ठीक हो तो पिता ठीक होगा। अगर बच्चे अच्छे संस्कारों से संस्कारित किए जाएं तो जब आगे वे पिता बनेंगे तो अच्छे बनेंगे। पौधे टेढ़े टेढ़े हैं, अगर बांस के साथ बांध दिया जाए तो पौधे सीधे हो जाएंगे। इसलिए बच्चों को अच्छे संस्कार मिलने चाहिए। बाप पुत की एक नारी अचरज कोई काछे। बाप और पुत का मतलब है पूरी सृष्टि। रामेश्वर वल्द जगेश्वर, वल्दियत में पूरी दुनिया है। पिता के पिता आदरणीय हैं, लेकिन वो हमारे पिता नहीं हो सकते। मैं बैठा हूं, मेरे पिता बैठे हो, मेरे पिता मां बैठे हो, कागज पत्र में नाम लिखना होगा तो मुझे अपने पिता का नाम बताना होगा, पिता के पिता का नहीं। पिता और पुत्र दो ही में पूरी सृष्टि है। तो बाप पुत का मतलब है पूरी सृष्टि। एक ही नारी, एक ही नारी से पूरी सृष्टि पैदा होती है। एक ही नारी जात से बाप पुत सब पैदा होते हैं। अगर नारी के संस्कार अच्छे हो जाए तो पूरी सृष्टि अच्छी हो जाए। नारियों के दिव्य संस्कार हो जाएं तो संसार अच्छा हो जाएगा।
मनुर्भो जनया दैव्यम जनम, ये ऋग्वेद में आया है। मनुर्भो मनुष्य बनो, जनया पैदा करो, दैव्यम पवित्र, जनम यानी जनता, मनुष्य बनो और अच्छे मनुष्यों का निर्माण करो। नारी की गोद में ही पूरी सृष्टि पलती है। नारी के संस्कार अच्छे हो जाने पर पूरा संसार अच्छा हो जाता है। ये अचरज कोई काचे, अचरज आश्चर्य, आश्चर्य उसे कहते हैं जो एकाएक पहली बार देखा जाए उसमें आश्चर्य की भावना उत्पन्न होती है। यह बात जो मैं कहता हूं तुम्हें अचरज लगेगी। कोई काचे, काचना नाम त्यागना। कोई विचारवान होगा जो इसमें से आश्चर्य की बातों को हटाकर सत्य को समझेगा। धुंधुर राजा टीका बैठे बिसहर करे खवासी। धुंधुर कहते दादुर को, दादुर नाम मेढक, मेढक राजा बन गया। टीका बैठे ने टीका लगा करके बादशाह बन गया। बिसहर करे खवासी, बिसहर नाम बिसधर, बिसधर का धर का हर हो गया। सामान्य भाषा में धर का हार हो जाता है, तो बिसधर, बिसहर नाम बिसधर, बिसधर सांप उसकी खवासी करने लगे, खवासी बवर्ची बन गए, सेवा करने वाले बन गए। मेढक तो टीका लगा के बादशाह बन गया और सांप उसकी सेवा में लग गए। साहब ऐसी बात करते जिससे मारे जाए, और कहते लोग हमें मारने दौड़ते हैं, और मैं ठीक कहता हूं। ठीक कहां कहते हैं, सांप कहां राजा बन, मेढक कहां राजा बनता, सांप उसकी खवासी क्या करे, सांप तो उसको खा लेगा कि उसको और खिलाएगा। लेकिन साहब कहते हैं भाई ये तो उल्टवासिम में कह रहा हूं, इसको समझो। धुंधुर मेढक कर कर करने वाले बकवासी, बकवासी लोग राजा हो गए। कबीर साहब के जमाने में ऐसा ही युग था जिसमें हजारों हजारों राजा भारतवर्ष में थे। भारत जब आजाद हुआ है तो 500-600 रजवाड़े स्वतंत्र थे, जिसको फिर मिलाया गया है स्वतंत्र भारत में, और छोटे रजवाड़े तो बहुत थे। कबीर साहब के जमाने में हजारों रजवाड़े थे, और ऐसे ऐसे रजवाड़े थे दादुर की तरह, मेढक की तरह बकवास करने वाले, और उनके खवासी कौन थे, चमचे बिसधर। आज भी वो बात है, आज मंत्री राजा और उनके चमचे बिसधर, उनके चमचों को ठीक कर लो तो राजा से काम बन जाए, मंत्री से काम बन जाए। धुंधुर राजा टीका बैठे बिसर करे खवासी, श्वान बापुरा धरन ढाकनो बिल्ली घर में दासी। श्वान कुत्ता, बापुरा बेचारा, धरन ढाकनो, धरन पृथ्वी, ढाकनो नाम ढक देना। कुत्ते ने पूरी पृथ्वी की इज्जत को रखने का दंभ किया। कुत्ते, कुत्ता अपनी इज्जत नहीं रख पाता, उसकी पूंछ उल्टी रहती है, इसलिए टट्टी की जगह ढकती नहीं, तो अपना गुप्तांग तो ढांक नहीं पाता है, और पृथ्वी के सभी लोगों की इज्जत तो ढकना चाहे, तो दंभ है, केवल दिखावा है। ऐसे जो समाज के आचार रक्षक हैं और सबकी मर्यादा का विधान बनाने वाले हैं, वे स्वयं मर्यादाहीन है, वे स्वयं अपनी इज्जत आबरू में नहीं। बिल्ली घर में दासी, बिल्ली घर में दासी हो जाए तो घर का अच्छा बनेगा, हर जगह मुंह मारेगी, दही में, दूध में, खाने पीने की चीज में हर जगह मुंह मारेगी। बिल्ली घर में दासी बन जाए तो घर की इज्जत नहीं रहेगी। बिल्ली है लोलुपता, व्यवस्थापक, दासी दास व्यवस्थापक, व्यवस्थापक लोग बिल्ली व्यवस्थापक बन गए, लोलुप व्यवस्थापक बन गए। वो दशा आज भी है, व्यवस्थापक जगह जगह होते हैं, सरकार पैसा भेजती है और बीच ही में चट हो जाता है। कोई भी काम के लिए पैसा सरकार भेजती है, व्यवस्थापक लोग उसको आधा से अधिक खा जाते हैं,
राजीव ने तो एक बार कहा था जब वे प्रधानमंत्री थे कि 15-16% ही बच रहता है जो हम भेजते हैं पब्लिक के पास तक, गरीबों के पास, और सब बीच में खा जाते हैं। राजा जानता है लेकिन रोक नहीं पाता है, कैसा आश्चर्य, ऊपर से नीचे तक कितना सड़ा हुआ है। और इसको देखने से पता लगता था, साहब के जमाने में भी ये था, बिल्ली घर में दासी, बिल्ली लुलुपी है और वही दासी बन जाए, वही व्यवस्थापक बन जाए तो दुर्दशा है। व्यवस्थापक ऐसे हो गए, कार दुकार कार करी आगे, बैल करे पटवारी। कार नाम कर्तव्य, दुकार नाम दुष्कर्तव्य, और फिर आगे कार है वो भी कर्तव्य, कर्तव्य अकर्तव्य कर्तव्य। बैल करे पटवारी, बैल पटवारी हो गए। जमीन का लेखा जोखा रखना, उसका नाम लिखना, नंबर लिखना, उसके मालिक का नंबर लिखना, कौन जोतता है क्या बोता है, ये सब लिखना पढ़ना, कागज ठीक रखना, ये पटवारी का काम। तो बैल जितने थे सब पटवारी, बैल करे पटवारी। बैल का मतलब विवेकहीन, विवेकहीन लोग धर्मगुरु बन गए और वह जनता में पटवारगिरी करने लगे, जांच भाल करने लगे, व्यवस्था देने लगे। तो वे कार दुकार कार करी आगे, कार को दुकार को कार करते, यानी कर्तव्य को अकर्तव्य को कर्तव्य बताते, अर्थात कर्तव्य कर्तव्य सब कुछ को कर्तव्य बताते, खाद्य खाद्य सब कुछ को खाद्य बताते हैं। एक बार मैं एक ब्राह्मणों के गांव में बैठा था, ब्राह्मण के दरवाजे पर ही, और कुछ ब्राह्मण लड़के बैठे थे तो उन्हें मांसाहार का त्याग बता रहा था, उस क्षेत्र में ब्राह्मण मांसाहारी हैं, तो मैं बता रहा था, भूत प्रेत का खंडन कर रहा था। ऐसा संजोग कि एक वहां गुरु आए थे, वो बैठे थे अपने चिलाही में से आए थे, वहां भी उनके चेले थे, ब्राह्मण थे। जब वो सुन लिया आधा घंटा, तो एकदम अंदर अंदर जल उठे, एकदम भड़क पड़े, कहे कि मांस मदिरा के विषय में आप इतना क्यों कहते हैं, ये तो खाने पीने की चीज, कोई खाता है कोई नहीं खाता है, धर्म की बात कहनी चाहिए। हम कहे हम धर्म जानते ही नहीं, धर्म क्या है, इतना जानते हैं कि गलत चीज न खाओ, अच्छी चीज खाओ, कि भूत प्रेत तो होते हैं। उस फिर मैंने कहा, तो जो घर के मालिक थे वो भी पंडित थे, वो आए तो बड़े जोर से झाड़ी उनको, कि भूत तो ढकोसला है और खान पान का सुधार नहीं होगा तो क्या धर्म होगा। तो ऐसे गुरु हैं कि खाद्य और खाद्य सब कुछ को खाद्य कहते हैं, कर्तव्य अकर्तव्य सब कुछ को कर्तव्य कहते हैं। उनको पैसे से जरूरत है, दक्षिणा से जरूरत है, संख्या बढ़ जाए शिष्यों की और हमें दक्षिणा मिले, सम्मान मिले, बस और कुछ नहीं। तो कार दुकार कार करी आगे, कर्तव्य दुष्कर्तव्य सबको कर्तव्य बता करके सबके आगे वही परोसते। बैल करे पटवारी, इस प्रकार विवेकहीन लोग पटवारी बन गए, गुरु बन गए। कहे कबीर सुनो संतो भैंसे न्याय निबेरी। साहब कहते हैं संतो भैंसे न्यायाधीश बन गए, वो न्याय करने लग गए। भैंसे जड़ तामसी होते हैं, मूढ़, ऐसे लोग न्यायी हो गए। यानी जो तामसी हैं, मूढ़ हैं, कर्तव्य कर्तव्य के विवेक से शून्य, वे न्यायाधीश बन गए, धर्म के विषय में स्टेटमेंट देने लगे। यह दुर्भाग्य, साहब कहते अगर ये सब कहता हूं तो लोग मारने दौड़ते। ये पारिवारिक सामाजिक राष्ट्रीय विषयों पर जब मैं कहता हूं कि ये गलत है तो लोग मारने दौड़ते हैं, लेकिन अनबोले से कैसे बनी है, अनबोला होने से कैसे बनेगा, कहना पड़ेगा और कहने में डरने की जरूरत नहीं। ये व्यवहारिक अर्थ है, इसका आध्यात्मिक अर्थ, संतो बोले थे जग मारे। किसी को निर्देश करो कि भाई अपना सुधार करो तो मारने दौड़ते हैं, अच्छी बात सुनना नहीं चाहते हैं। अनबोले थे कैसे बनी है शब्द है कोई न विचारे, लेकिन चुप रहने से कैसे बनेगा, बात तो कहनी पड़ेगी। पहले
जन्म पुत्र का भयु बाप जन्मिया पाछे। पहले पुत्र जन्मा तब बाप, पुत्र में इंसान है, बाप ईश्वर है। इंसान दुनिया में आया तो उसने ईश्वर की कल्पना की, अगर इंसान न होता तो ईश्वर न होता। चंद्रमा में इंसान नहीं तो वहां कोई ईश्वर नहीं। एक कोई पत्थर को रंग से पोत करके नहीं रख दिया कि भाई हनुमान लोग कहें, क्योंकि हनुमान को बनाने वाला वहां नहीं है। तो इंसान पहले, इंसान ही भगवान की कल्पना करता। इसलिए इंसान अपनी इंसानियत को समझे, जीव अपने जीवत्व को समझे। अगर अपने जीवत्व को समझे तो शिवत्व का उद्घाटन अपने अंदर ही हो। बाप पुत की एक ही नारी, बाप और पुत, ये दोनों एक ही माया में उलझते हैं। नारी का अर्थ माया, बाप पुत का मतलब समग्र सृष्टि, संसार के सभी लोग माया में उलझे। ये अचरज कोई काछे, ये आश्चर्यजनक विचार कोई समझे और बुराइयों को छोड़े। दुंदर राजा टीका बैठा, दुंदर है अविवेक, ये अविवेक राजा बन गया, टीका लगा करके हमारे हृदय की गद्दी पर बैठ गया। अविवेक हमारे हृदय में आसन जमाए है जो मेढक की तरह है। विषहर करे खवासी, विषधर काम क्रोध लोभ मोह, ये उसकी परवरिश करने लगे। जितना काम क्रोध लोभ मोह बढ़ता उतना अविवेक बलवान होता है। अविवेक राजा है और काम क्रोध लोभ मोह उसके उसकी सेवा करने वाले हैं। श्वान वापरा धरण, श्वान दंभ है और वो दंभ से, जैसे कि कुत्ता अपनी पूंछ से पूरी दुनिया की इज्जत ढकना चाहे उसका दंभ है। आदमी मौखिक ज्ञान प्राप्त कर लेता है, बौद्धिक ज्ञान प्राप्त कर लेता है, फिर दुर्गुणों का सेवन करते हुए उन दुर्गुणों को ढांकता है। वाचिक ज्ञान केवल अगर है तो वाचिक ज्ञान से प्रवक्ता अपने दोषों को ढांकता है। श्वान दंभ है, हमारा दंभ अपने दुर्गुणों को ढांकता है ज्ञान की बात कह करके, और ये अपने आप को धोखा देना है। बिल्ली घर में दासी, बिल्ली लोलुपता, जो हमारे हृदय घर में बैठी और सेवकाई कर रही, लोलुपता को मन में रख करके कोई संयमी नहीं हो सकता, त्यागी नहीं हो सकता। कार दुकार कार करी आगे, बैल करे पटवारी, बैल अज्ञान है जो कर्तव्य कर्तव्य सबको कर्तव्य सिद्ध करता है। हमारे हृदय का अज्ञान, हम गलत काम करते उसका समर्थन करता, अच्छा करते हो तो समर्थन होगा ही, गलत का भी समर्थन करता, वो हमारा अज्ञान है। हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन करके उसे दूर करना चाहिए। कहें कबीर, सुनो संतो, भैंसे ना निवेरी, तामसी वृत्ति हमारे अंदर में है, वो निर्णय करती रहती है, झूठ को ही सही बताती रहती है, अखाद्य को खाद्य, जो नहीं खाना चाहिए नहीं पीना चाहिए, नहीं करना चाहिए नहीं सोचना चाहिए, नहीं बरतना चाहिए, वो सब के लिए हमारी तामसी बुद्धि निर्णय देती है। ठीक है, तो हमारे अंदर ही में दुश्मन छिपे हुए हैं, इनको दूर करना जरूरी है। आज का पाठ सरल है, संतो राह दुनोहम दीठा, ये दसवां शब्द है। हिंदू तुरुक हटा नहीं माने, स्वाद सबन को मीठा, हिंदू व्रत एकादश साधे, दूध सिंगारा सीती, अन्न को त्यागे मन को न हटके, पारण करे सगौती, तुरुक रोजा निमाज गुजारे, बिस्मिल बांग पुकारे, इनको बेहिस्त कहां से होवे, जो साझे मुर्गी मारे, हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घट से त्यागी, ई हलाल वे झटका मारे, आग दोनों घर लागी, हिंदू तुरुक की एक राह है, सदगुरु सुई लखाई, कहें कबीर सुनो संतो, राम न कहूं खुदाई। सदगुरु कहते हैं, ऐ संतो, मैंने दोनों का रास्ता देख लिया है, हिंदू का भी और मुसलमान का भी। हिंदू तुरुक हटा नहीं माने, हिंदू और तुरुक हटा नहीं, हटा नाम रोकना,
अगर इनको रोको गलत मार्ग से तो मानते नहीं। हिंदू हो तो रुक, हिंदू शब्द आज से 2500 वर्ष पूर्व से प्रचलित है भारतीय समाज के लिए। तुर्क चीन और पाकिस्तान, चीन और रूस के क्षेत्र में तुर्क रहते थे और वो बड़े खुखवार होते थे। ईरान के तरफ भी वे थे और ईरान के मुसलमानों का उन्होंने काफी उनकी तबाही की, उनकी मस्जिदें फूकी, मुसलमानों को खूब सताते थे। धीरे धीरे वो मुसलमान बन गए। जब मुसलमान बन गए तो उन पर पागलपन सवार हुआ विजय करने के लिए, तो उन्हीं में से भारत आए महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, ये सब तुर्क थे जो मुसलमान हो गए थे। अरब से यहाँ हमला करने कोई नहीं आया। अरब से कुछ मुसलमान आए थे, वही गुजरात और राजस्थान के छोर पर, और कुछ वहां रहे और कोई लड़ाई भिड़ाई नहीं हुई। ये तुर्क जो हैं मुसलमान हो गए, यही हमला किए, इसलिए यहाँ तुर्क शब्द ज्यादा प्रचलित है। मुसलमान नाई है तो उसको मुसलमान नाई नहीं कहते, तुर्किया नाई कहते हैं। तुर्किया धोबी, तुर्किया नाई, तुर्किया दर्जी। साहब भी हिंदू तुर्क ज्यादा कहते, मुसलमान कहीं कभार कहते हैं। हिंदू तुर्क हटा नहीं माने, हिंदू और तुर्क ये कहा नहीं मानते। स्वाद सबन को मीठा, दोनों को जीभ का स्वाद मीठा है, और ये धर्म कर्म कुछ नहीं समझते। हिंदू व्रत एकादश साधे दूध सिंगारा सेती, हिंदू लोग एकादशी व्रत साधते। एकादशी जब आती है तो उस दिन पूरा अन्न नहीं खाते हैं पूरे दिन, लेकिन क्या खाते, दूध खाते हैं, सिंगारा खाते हैं। सेती नाम से, इन्हीं दूध सिंगारा से, दूध सिंगारा खाकर या दूध सिंगारा का हलवा, कि कोई कोई तो एकादशी को और जम के खाते हैं और काफी कीमती खाते हैं, अन्न नहीं खाते हैं लेकिन और चीज जम के खाते हैं। अन्न को त्यागे मन को न हटके, ये अन्न को उस दिन तो जरूर त्यागते लेकिन मन को नहीं हटकते, मन को वश में करने प्रयास नहीं करते। पारण करें सगौती, लेकिन पारण जब करते हैं तो सगौती पारण करते हैं। सगौती कहते मांस। कभी साहब जमाने में बहुत मांसाहार था, और ऐसे लोग थे कि जो एकादशी को तो अन्न छोड़ देते थे और सुबह भोजन में मांस भी खाते थे। और आज भी बंगाल में, बिहार के बहुत सारे क्षेत्रों में, उड़ीसा में आज भी है। और साहब जमाने में तो बहुत था मांसाहार। मेरे बचपन में सवर्णों में बड़ा मांसाहार था, फिर रुका, अब फिर विज्ञान का चमत्कार है, अब फिर बढ़ रहा। अब तो मांस में प्रोटीन है, इसलिए प्रोटीन न खाए तो क्या खाए। तो पारण करें सगौती, सुबह अन्न खाए तो सगौती भी खाए, मांस भी खाए। ये इनका हिंदुत्व है और ये इनकी एकादशी व्रत है। तुर्क रोजा नमाज गुजारे, बिस्मिल बांक पुकारे। तुर्क लोग रोजा रहते हैं, नमाज पढ़ते हैं और बिस्मिल का नाम लेकर के बांक पुकारते हैं। बिस्मिल का मतलब है अल्लाह के नाम से, बा इस्म और अल्लाह, इन तीन पदों को मिलकर के बिस्मिल्लाह बनता है। बा इस्म अल्लाह, बा नाम सहित, इस्म नाम नाम, अल्लाह नाम ईश्वर, ईश्वर के नाम के सहित। कोई काम करेंगे ईश्वर के नाम के सहित करेंगे, इतने धर्मवान है। बिस्मिल बाघ पुकारे, बाघ भी पुकारते हैं। इनको बिहिस्त कहां से हुए जब सांझे मुर्गी मारे, इनको भला स्वर्ग कैसे होगा, ये जन्नत में कैसे जाएंगे। जब सांझ होते ही मुर्गी मारते हैं, दिन भर तो उपवास रहे, रोजा रहे, और जब शाम हुई तो मुर्गी को काट डाले। दया मया नहीं है तो उपवास रहने से क्या हुआ। हिंदू की दया मेहर तुर्कन की दोनों घट से त्यागी। साहब कहते हिंदुओं ने तो दया छोड़ दी और तुर्कों ने मेहरबानी छोड़ दी। दया और मेहरबानी का भाव एक ही है, शब्द अलग अलग हैं। दोनों के लिए साहब शब्दों का प्रयोग अलग अलग करते हैं। कबीर साहब शब्द शिल्पी भी थे, जहां केवल मुसलमानों को उन्होंने कहा है
वहां वे अरबी फारसी शब्दों को ज्यादा कहे, जहां पंडितों को कहे वहां संस्कृत शब्दों को ज्यादा कहे, जहां दार्शनिकों को कहे वहां दर्शन के शब्द कहे। जो पे बीज रूप भगवान तो पंडित का पूछो आन, कहां मन कहां बुद्ध कहां अहंकार, सतरज तम गुण तीन प्रकार, विषमृत फल फल अनेका, बहुधा भेद कहे तरवे का, कहे कबीर तय में क्या जान, को दो छूटल को अरजान। ये पांडित्यपूर्ण संस्कृत शब्द और दर्शन के शब्द हैं, इसमें वे दार्शनिकों को और पंडितों को संबोधित करते हैं। मुसलमानों को कहते भूला बेअहमक नादाना, जिन हरदमरा में न जाने, बरबस आन की गाय पिछारी, गरा काट जीव आप लिया, जीवत जीव मुर्दा कर डाले, ताको काल तलाल हुआ, जाय मांस को पाक कहत हो, ताकि उत्पत सुन भाई, रजो वीर से मांस उपानी, सो मांस न पाके तुम खाई, अपनी देख कहत नहीं हमक, बहत हमारे बड़न किया, उनके खून तुम्हारी गर्दन, जिन तुमको उपदेश दिया, स्याही गई सफेदी आई, दिल सफेद अजहून हुआ, रोजा बांग नमाज क्या कीजिए, हुजरे भीतर बैठ हुआ। पंडित वेद पुराण पढ़े सब मुसलमान कुराना, कहें कबीर दो गए नरक में, जिन हरदम रामाय न जाना। तो इसमें ज्यादा मुसलमानों का तो और भी फारसी शब्द का, और कहते तो दोनों को अंत में दोनों का, वो सब नरक में जाएंगे जो हर घट में राम को नहीं जानते, जीव वध करते हैं। तो हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, हिंदुओं ने दया छोड़ दी और मुसलमानों ने मेहरबानी छोड़ दी, दोनों घट से त्यागी, दोनों ने अपने दिल से त्याग दिया दया और मेहरबानी। ये हलाल वे झटका मारे, ये जो मुसलमान लोग हैं हलाल करते हैं, हलाल कहते हैं जायज को, यानी उचित, हलाल का खाओ जायज का खाओ, लेकिन और इतना भी हलाल मान लिए, किसी पशु पक्षी को छुरी रख करके रेतते हैं, झटका नहीं मारते हैं, रेतते हैं, और रेतने में उनमें खास बात यह रहती है कि रेतने से झट से खून निकल नहीं जाता है, मांस में जरा सम हो जाता है, तो उनके गोश्त में मांस की गोश्त में रक्त की मात्रा ज्यादा रहे, इसलिए भी रेतते हैं। तो ये हलाल करते हैं, और मुसलमान और हिंदू लोग झटका मारते, एक बार खट दे मार दिए, हिंदू लोग हलाल का नहीं खाएंगे और मुसलमान लोग झटका नहीं खाएंगे, बड़े धार्मिक दोनों होते। मुसलमान लोग रेत के खाएंगे, हिंदू लोग झट से काट करके खाएंगे, तो ई हलाल वही झटका मारे, आग दोनों घर लगी। साहब कहते दोनों के घर में दिल में आग लगी हुई हिंसा की, और ये बड़े भारी धार्मिक बनते हैं। हिंदू तुर्क की एक राह है सदगुरु सुई लखाई, साहब कहते हिंदू और तुर्क समझ जाए तो दोनों का रास्ता एक, दया और मेहरबानी की। दया को छोड़ करके धर्म क्या हो सकता है? सदगुरु सोई रखाई, सदगुरु यही बताता है, दुनिया का कोई भी सच्चा सदगुरु होगा वो दया बताएगा, जो दया ना बताए सदगुरु क्या है? कहे कबीर सुनो संतो राम न कहूं खुदाई। अब राम और खुदा के तुम पुकार रहे हो, हिंदू राम राम पुकार रहे, मुसलमान खुदा खुदा पुकार रहे हैं। साहब कहते कहां पुकार रहे हो? कहीं राम खुदा नहीं, ये घट घट में बैठा जो राम खुदा है इसको समझो, और जो घट घट के अंदर राम खुदा को नहीं समझता है उसके साथ बेरहमी करता है। बाहर राम खुदा कहां है? जो प्रत्यक्ष राम खुदा उसको राम खुदा नहीं समझते हो, उसकी तो हत्या करते हो, और शून्य में राम खुदा को पुकारते हो, तो क्या कहें? साहब कहते हैं संतो राह दोनों हम देखा, ऐ संतो ये हिंदू मुसलमान दोनों के रास्ते को हमने देखा, दोनों में निर्दयता है, वे पत्थर के सामने वे शून्य के सामने नाक रगड़ते हैं और जीव वध करते हैं। ईश्वर और देवता को खुश करने के लिए प्राणियों की हत्या, यही धर्म है, इसलिए दोनों भटके हुए हैं। संतो पाड़े निपुण कसाई, सीधी बात, संतो पाड़े निपुण कसाई, बकरा मार भैंसा पर धामे दिल में दर्द न आई, कर स्नान तिलक दे बैठे बिदसो देव पुजाई, आत्म राम पलक में बिनसे रुधिर की नदी बहाई, अति पुनीत ऊंचे कुल कहिए सभा माही अधिकाई, इनते दीक्षा सब कोई मांगे हंसी आवे मह भाई, पाप कटन को कथा सुनावे कर्म करावे नीचा, हम तो दोनों परस्पर देखा यम लाए हैं धोखा,
गाय बधे ते तुरुक कहिए, इनते वही क्या छोटे, कहे कबीर सुनो संतो कलिमा ब्राह्मण खोटे। सत्य कहने में, व्यंग कहने में, चुटकी लेने में कबीर साहेब अद्वितीय। डर नाम की कोई चीज नहीं, जो जैसे वैसे कहना, लपेट उपेट में नहीं कहना, संभाल के नहीं कहना, सीधा कहना। और चुटकी लेना है, व्यंग करना है, कितना अपार साहस था ये सोच करके आज भी विद्वान दंग रह जाते हैं। काशी में कह रहे थे वो, और चौक पर कहते थे छिप के नहीं, उनकी एक एक वाणी की प्रध्वन होती थी। ये नहीं कि निरोह गुरु कोतवारू की तरह रहे और झग्गर झाड़ू की तरह रहे कि कोई कहते थे कोई सुनता नहीं था, जानता नहीं था। वो तो 5 बरस के जब भय काशी माही कबीर, गरीब दास अजब कला ज्ञान ध्यान गुण सीर। ये गरीब साहब दिल्ली वाले कहते हैं, जब कबीर साहब 5 बरस के काशी में थे, अजब कला थी, ज्ञान ध्यान गुण में सिर मुकुट थे, मतलब बचपन में ही उनके उनका तेज था, और 12-15 बरस की उम्र में ही उनकी बात चारों तरफ गूंजने लगी थी। उनके विचार फैल गए थे। और राम कबीर वाले जो गुजरात के हैं, वह तो यही मान रखे हैं कि शायद 7-8 बरस की उम्र में ही यहाँ आए हैं। जो कबीर बड़ के नीचे नर्मदा के तट पर कबीर मंदिर बना है, राम कबीर मंदिर, उसमें कबीर साहब की जो मूर्ति बनाई है वो बहुत बचपना की बनाई है, अमेरिका वालों ने बनाई है। ये भारत वाले राम कबीर अमेरिका में हैं, बहुत धनी वो लोग होते हैं, तो नर्मदा नदी में से बड़े बड़े खंभे गाड़ करके बिजली ले गए हैं और खूब बनाए बनाए हैं, तो बचपन का रूप बनाया वो, उसमें अतिशयोक्ति है। लेकिन 25-30 वर्ष की उम्र तक पूरे उत्तरी भारत में साहेब के विचार गूंज गए थे, और जिनकी बात की प्रतिध्वनि इतनी होती थी, वह इतना निर्भय संतो पाड़े निपुण कसाई। यहां पाड़े मतलब नहीं खाली पाड़े, तिवारी नहीं, शुक्ल नहीं, चौबे नहीं, पाड़े कहने में उनको सरल है, तो इसलिए उन्होंने पाणे कहा। ये लाक्षणिक प्रतीकात्मक है, कोई भी ब्राह्मण हो, पूजा करे, प्रतिष्ठा करे और जीव हत्या करे, वो सब के लिए ही है, इसलिए पाणी प्रतीकात्मक शब्द है। इसके लिए समस्त पंडितों के लिए है जो जीव हत्या करते हैं। संतो पाणे निपुण कसाई। आसाम का एक पाणे आया और कहीं उधर बांध के तरफ, संगम के तरफ बीजक हमारा किसी बुकसेलर से खरीदा और यही पढ़ा, वो घबरा गया। और जब वहां गया तो वहां से बड़ा लंबा खर्रा हमें लिखा कि साहब कबीर साहब ने तो पाणे निपुण कसाई कहे ही है कस के, अब आपने भी खूब जम के टीका कर दी। अगर मैं कहीं आपके पास आता तो कहते देखो ये कसाई आया है, खूब शिकायत किया, और हमारे लिए बड़ी भावना, एकदम भावना से सदगुरु हैं आप, ये हैं वो हैं, मुलाकात कभी नहीं थी उसको। तब मैंने उसको उत्तर लिखा, भाई तुम क्यों घबरा गए, पाणे तो प्रतीकात्मक है, वो तो उन समस्त पंडितों के लिए है जो जीवत करते हैं। जब समझा के लिखा, ओ विनम्र हो गया, क्षमा मांगा। 2 वर्ष वह आए यहाँ, उनकी दीक्षा हुई, और वे जम करके इस सिद्धांत का प्रचार आसाम में करते हैं। संतो पाणे निपुण कसाई। साहब कहते हैं, संतो ये जो जीवत करने वाले हैं धर्म के नाम पर पंडित लोग, ये निपुण कसाई। निपुण क्यों है? प्रवीण कसाई। साधारण कसाई तो भोले भाले हैं, जीव वध करते हैं बस, और ये पंडित लोग मारते हैं और धर्मात्मा भी बने रहते हैं, ये निपुण कसाई होना है। क्योंकि ये जो मारते हैं, एक तो बकरे को भी स्वर्ग देते हैं, यजमान को स्वर्ग देते हैं, अपना पूरा धर्म से पूर्ण होते हैं। अब ये सारा प्रपंच जहां लगाया गया, कितनी निपुणता है, काम करे घटिया और माने जाए उत्तम, ये कितनी निपुणता है। तो साहब कहते हैं निपुण कसाई है। बकरा मार भैंसा पर धावे, दिल में दर्द न आई, ये बकरा को मारते हैं फिर भैंसे पर भी दौड़ पड़ते हैं। आज भी नेपाल में, काठमांडू में, दशहरे में सैकड़ों भैंसे मार डाले जाते हैं, और भारत में भी रजवाड़ों यहाँ 50-50 भैंसे कटते थे। भारत आजाद हुआ तब से बंद हुआ है। काली कलकत्ता वाली काली के स्थान पर जब मैं पहली बार 64 में गया, देखा तो वहां चौबाहे में पंडित लोग जनियों मोटी मोटी पहने,
और कपड़ा ऐसे कंधे पर डाले, मोटी चोटी चंदन लगाए बैठे हैं। लोग बकरा को स्नान करने के लाते थे, उसको तिलक लगाते थे पंडित जी, फूल माला पहनाते थे, मंत्र से अभिषिक्त करते थे, फिर वहां ले जा करके बल लोहे के खूंटे में गला फंसा करके काट देते थे। अब ये लीला, और वहां भैंसे भी मारे जाते हैं, पड़वे तो मारे जाते, बड़े भैंसे तो नहीं मारे जाते, पड़वे मारे जाते हैं। तो भैंसा बकरा मार भैंसा पर धावे, दिल में दर्द नहीं आई, इनके दिल में थोड़ा भी दर्द नहीं। कर स्नान तिलक दे बैठे, विष्णु देव पुजारी स्नान करते हैं और तिलक लगाते हैं और विध पूर्वक बैठते हैं पलथी मार करके। बहुत बड़े धर्मात्मा विष्णु देव पुजारी, वो जो धमतरी के वो है कौन, कवि परमार जी, तो कहते हैं कि कबीर तो भाई हम लोगों के महान आचार्य आदि गुरु, वो व्यंग लेखक है, व्यंग लेखकों में कबीर आचार्य गुरु, पूरी दुनिया के आचार्य गुरु हैं। इसलिए अखबारों में आज जहां कहीं देखो चलती चक्की कहत कबीरा, कबीर चौरा सुनो साधो, और ऐसे कबीर साहब की वाणी को लेकर के ही व्यंगात्मक स्तंभ अखबारों में रखा जाता है। तो साहब कहते हैं कर स्नान तिलक दे बैठे विदसो देव पूजा, कितना बढ़िया बताते हैं, स्नान कर लिए, तिलक लगा लिए और विध पूर्वक बैठे आसन पर और देवता की पूजा करते हैं और दूसरे से भी पूजवाते हैं। लेकिन क्या करते हैं, आत्म राम पलक में बिनसे, रुधिर की नदी बहाई, आत्मा राम को पलक में एक काट देते हैं। कहते हैं हम आत्मा राम के भक्त, अब आत्मा राम को तलवार से काटते हैं। रुधिर की नदी बहाई, रक्त का रक्त की धारा बहाने लगते, अति पुनीत ऊंचे कुल कहिए सभा माए अधिकाई, और कितना बढ़िया व्यंग है, अति पुनीत बड़े पवित्र भूसुर दे जमीन के देवता, और अति पुनीत ऊंचे कुल कहिए, इनको ऊंचे कुल का कहना चाहिए, सर्वोच्च ब्राह्मण ब्राह्मणोस मुखमासीत बाहु राजन्य कृता है वैसे पदभ्याम शूद्रो अजायत। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में कहा गया उस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण प्रकट हुआ, ब्राह्मणों से मुखमासीत, ब्राह्मण के मुख में आग होती है, ब्राह्मण जो कह दे वो पुनीत है, चाहे वो पत्र देखे चाहे ना देखे, तुम्हें कह दिए तिथि त्योहार ठीक है बस ठीक है मान लो। ये बचपन में सुनता था, कितने ऐसे ब्राह्मण कितने ऐसे लोग आवे तो महाराज तिथि बताए दो, तिथि पता नहीं, अरे महाराज आपके मुंह के सुबह बताए दो बस ठीक, ऐसा जमा दिया गया है। तो अति पुनीत ऊंचे कुल कहिए, बड़े पवित्र और ऊंचे कुल के हैं, सभा माही अधिकारी, ब्राह्मण देवता पंडित देवता किसी सभा में पहुंच जाए तो इनकी अधिक अधिकारी होती, बड़ा आसन दो ऊंचा आसन दो, इनते दीक्षा सब कोई मांगे, सब लोग इनसे दीक्षा मांगते हैं कि ब्राह्मण ही हमारे गुरु होना चाहिए। हंसी आवे मोहे भाई, लेकिन साहब कहते भाई मुझे तो हंसी आती, इन्हीं से दीक्षा लेना चाहिए, ये बड़े हैं, पाप कटन को कथा सुनावे कर्म करावे नीचा, ये पाप कटने के लिए कथा सुनाते हैं, देवी भागवत कहीं श्रीमद भागवत कहीं कुछ पाप कटने के लिए कथा सुनाते हैं, लेकिन कर्म क्या कराते हैं, नीच जीवबद्ध। ये जीवबद्ध पर साहब कह रहे हैं, ये भी ध्यान देना चाहिए, जीवबद्ध से छोड़ के नहीं कह रहे हैं। अगर कोई पंडित है वो कथा वार्ता श्रीमद भागवत सदनारायण व्रत कथा या और कुछ कथा कहता है, सदाचार की सीख देता है, तो साहब उसका खंडन नहीं कर रहे हैं। यहां तो ये खंडन करते हैं कि तुम कथा सुनाते हो पाप कटने के लिए और महापाप करवाते हो जीवबद्ध नीच कर्म। हम तो दोनों परस्पर देखा यम लाए हैं धोखा, साहब कहते हैं हम दोनों बातों को परस्पर में बातों को जब भिड़ाते हैं तो लगता है यमराज धोखा लाए, कोई यमराज आया हो और धर्म का ठकोसला रख रहा हो और जीवबद्ध करा रहा हो। तो धर्म का तो ऊपरी स्वर्णिम वर्ग है और अंदर में पाप, तो यमराज का धोखा, तो ये पंडित मानो यमराज हो गए और समाज को धोखा दे रहे हैं, ये पूजा करवाते और जीवबद्ध करवाते हैं, पूजा और जीवबद्ध से कोई मतलब नहीं होता है।
गाय बधे ते तुरुक कही इनते वही क्या छोटे, गाय बधे ते तुरुक कहिए। गाय कोई मारता है तो कहते भाई ये तुरुक है, ये मुसलमान एक गौकस है गाय काटते हैं। लेकिन साहब कहते इनते वही क्या छोटे, लेकिन क्या इन मुसलमानों से क्या वे ब्राह्मण छोटे हैं जो बकरा और भैंसा काटते हैं। कहें कबीर सुनो संतो कलिमा ब्राह्मण खोटे। साहब कहते ऐ संतो सुनो, कलिकाल में ब्राह्मण खोटे हो गए। कलिमा कालिमा दोष, ये दोष धारण करने की वजह से खोटे हो गए। इस प्रकार ये पूरे शब्द में सदगुरु उन पंडितों को उन ब्राह्मणों को उलाहना देते हैं जो धर्म के नाम पर पूजा पाठ करवाते हैं, दीक्षा देते हैं और ये सब टंट घंट करते हैं, लेकिन जीव हत्या करवाते हैं। जीव हत्या पर उनकी खास दृष्टि है, जीव हत्या न करो फिर अच्छा है। साहब ने पंडितों का आदर किया है, पंडित सो बोली हितकारी, मूर्ख सुर ये झकमारी। कहें कबीर हम जात पुकारा, पंडित हुए सो ले बिचारा। कहें कबीर सुनो हो संतो बूझो पंडित ज्ञानी। पंडित ज्ञानी को आदर देते हैं, बारंबार निमंत्रित करते हैं, आए पंडितों समझो, बुझ बुझ पंडित मन चित लाए, बुझ बुझ पंडित बिरवान होए। बारंबार पंडितों को संबोधित करते हैं, लेकिन अब पंडित कहला करके जीवबद्ध कराएं तो साहब ये क्षमा करने वाले थोड़े हैं कि शास्त्र में लिखा है तो पंडित ठीक करते हैं। साहब शास्त्र नहीं मानते, तथ्य मानते हैं। ये पूरा विश्व शास्त्र है, वास्तविकता शास्त्र है, और वास्तविकता के तहत जो हो शास्त्र सम्मत है। लिखी होने की वजह से शास्त्र सम्मत नहीं है, और जो बहुत शास्त्र की दुहाई देते हैं वे भी सब शास्त्र को कहां मानते हैं। वेदांती विशिष्टा द्वैत मत के शास्त्र को नहीं मानते हैं, विशिष्टा द्वैत मत के लोग वेदांत शास्त्र को नहीं मानते हैं, इस्लामी लोग वेद को नहीं मानते हैं, वैदिक लोग कुरान को नहीं मानते हैं। तो शास्त्र की जो दुहाई देते हैं वो भी शास्त्र का खंडन करते हैं। वेदांत सूत्र में कपिल के सांख्य दर्शन का खुलासा खंडन है, और कपिल के सांख्य शास्त्र में अद्वैतवाद जड़ चेतन अभिन्नता का खुलासा खंडन है। तो सभी लोग कहां शास्त्र को एकदम मान लेते हैं। जब शास्त्र पर विचार सब करते ही हैं तब हमें जगत को देखना चाहिए, जगत क्या कहता है, ये सत्ता क्या कह रही है। जब हमें एक कांटा चुभना भी प्रिय नहीं है तो दूसरे के ऊपर हम तलवार छुरी उठाते हैं तो हम सत्य शास्त्र को कहां समझते हैं। इसलिए जीववध करना ये महाअधर्म है और जीववध हट जाना चाहिए। शब्द 12, संतो मते मात जन रंगी, पियत पियाला प्रेम सुधारस मत वाले सत्संगी। अर्धे उर्धे भाठी रूपिन लेद कसारस गारी, मुदे मदन काट करम कसमल संतत चुवत अगारी। गोरख दत्त वशिष्ठ व्यास कप नारद शुकमुन जोरी, बैठे सभा संभु सनकादिक ताफिर अधर कटोरी। अम्बरीश ओयाग जनक जड़ शेष सहसमुख फाना, कालों गनो अनंत कोटलो अमहल महल दीवाना। ध्रुव प्रहलाद विभीषण माते माती शिवरी नारी, निर्गुण ब्रह्म माते वृंदावन अजहूं लाख कुमारी। सुर नरमुन यतपीर औलिया जिन रिपियातिन जाना, कहें कबीर गूंगे के शक्कर क्यों कर करें बखाना। संतो मते मात जन रंगी, सदगुरु कहते आए संतो जन रंगी भाव भक्त ज्ञानी लोग मते अपने अपने मत में मते मत वाले हुए मस्त हुए। जो जहां है वो अपने अपने में मस्त है। सांसारिकता को छोड़ करके कोई भी विधा हो मनुष्य के चित्त को हल्का करती है। सगुण उपासना करता हो, निर्गुण उपासना करता हो, मूर्ति ही कोई पूज रहा हो, कोई अल्लाह अल्लाह कह रहा हो, मस्जिद में नमाज पढ़ रहा हो, गिरजाघर में कोई प्रार्थना कर रहा हो, जैसे भी हो, जीव हत्या का काम बुरा है, जीव हत्या न करें।
और धर्म की कोई भी विधा, विश्वास और श्रद्धा की कोई भी विधा लेकर के जो उपासना करता है, वो दुनियादारी के खटपट से अपने को बचाकर कुछ हल्का फुल्का बनाता है, उसका मन हल्का फुल्का हो जाता है। चाहे जिस प्रकार से कोई लगन से उपासना करता होगा तो निश्चित वो अनुरागी जीव होगा और उसमें उसके मन में जरूर कुछ न कुछ शांति आएगी, जितना वो कर सकेगा। कोई भी भक्ति मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, कुछ मार्ग हो, वैराग का पुट सब में अपने आप आता है। संसार की नश्वरता का बोध धर्म की सारी और साधन की सारी विधाएं कराती हैं। इसलिए दुनिया के जितने ज्ञानी भक्त हुए वे सब जो सच्चे अनुरागी थे वे अपने अपने मार्ग में मस्त थे। मीरा देखो कितनी मतवाली, स्वामी राम तीर्थ बादले को देख करके श्याम 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 करते करते उन्मत्त हो जाते थे। जो सच्ची लगन से लगा है कहीं, आलंबन उसका काल्पनिक हो या सच हो, लेकिन सांसारिकता का खटपट उसका छूटता है। अब ये जरूरी कि सच्चा बोध चाहिए, काल्पनिक नहीं चाहिए। पूरा काम तो तभी होगा जब सच्चा आत्मबोध होगा, लेकिन मानो नहीं आत्मबोध है और कुछो लेकर के कहीं लगा और साधना में लगा और दुनियादारी के मोह माया से कुछ हट रहा है तो उसके चित्त में विश्राम होगा। बहुत व्यापक दृष्टि लेकर के सबका आदर करते हुए सद्गुरु कबीर कहते हैं, संतो मते मात जन रंगी, आए संतो जन रंगी भक्त जन ज्ञानी जन, रंगी नाम भाव। भावुक लोग अपने अपने मत में माते मस्त हुए, पियत प्याला प्रेम सुधारस मत वाले सत्संगी। वे मत वाले सत्संगी वे प्याला पीते हैं, किसका प्याला पीते हैं, प्रेम सुधारस का, प्रेम अमृत रस का, प्रेमामृत, प्रेमामृत रस पीते हैं, उसका प्याला पीते हैं और छके रहते हैं। अर्धे उर्धे भाठी रूपिन लेत कसारस गारी, मुदे मदन काट क्रम कसमल संतत ज्योत अगारी। अब यहां मतवाली मतवाला होने की बात कही गई तो शराब की इसमें गंध आती है, तो शराब कैसे बनाई जाती है, भट्टी बनाई जाती है, मैं देखा नहीं हूं उसको, सुना भर हूं। तो जैसे महुआ है रख दिए तो पकता है धीरे धीरे, और उसमें एक पाइप लगा करके दूसरे में आता है तो उसका रस उसमें टपकता है। तो अर्धे उर्धे भाठी रूपिन, अर्ध कमर के नीचे है और उर्ध कमर के ऊपर है शरीर, यही मानो भट्टी। अर्धे उर्धे भाठी रूपिन लेत कसारस गारी, कसारस कसाय रस, सुगंधित रस, सार को गार लिए, यानी पिंड ब्रह्मांड, अर्ध और उर्ध कमर के नीचे अर्ध, कमर के ऊपर उर्ध, ये भट्टी साधकों ने बनाई। और मतलब है शरीर को अपने में शरीर को कसा और कसाय रस गार लिया, यानी सुगंधित रस, परिपक्व रस, अनुभव का रस गार लिया। मुदे मदन काट कर्म कसमल, मदन को उन्होंने मूद दिया, मदन नाम काम, काम का दमन किया, और काट कर्म कसमल, कर्म का कसमल काट दिया, कसमल नाम विकार, मूर्छा, मोह, कर्म का मोह कट गया। संतत ज्योत अगारी, यहां संतत संतत शब्द होना चाहिए, लिखावट में संतत चल रहा है, संतत नाम निरंतर, अगारी नाम सामने, उनके सामने अनुभव, संतत अनुभव कर चूरा है। मतलब है किसी मार्ग के साधक हो, वे शरीर को कसते, काम वासना को रोकते, कर्म विकारों को और मोह की मूर्छा को दूर करते हैं। जब इंद्री जयी कुछ न कुछ हो जाते हैं तो उनके चित्त में शांति मिलती है और अनुभव रस टपकता है। ये कोई विधा के साधक हो सब ये करते हैं। गोरख दत्त वशिष्ठ व्यास कप नारद सुखमन जोरी, अब साहब उसको विस्तार से कहते हैं कि अपने अपने
साधना से, अपने अपने मार्ग से कैसे लोग मस्त हुए। कोई योग मार्ग में मस्त हुआ, कोई कर्म मार्ग में ही मस्त हुआ, हवन तर्पण ही करता रहा। हवन तर्पण साधना के क्षेत्र में तो मुख्य चीज नहीं, लेकिन उसमें भी कुछ लोग मस्त रहे। कोई भक्ति भावना में मस्त रहा, कोई ज्ञान में मस्त रहा। ज्ञान, योग, भक्ति, उपासना, इन विविध विधाओं में लोग मस्त हुए। उसमें नाम है गोरख, महायोगी थे दत्त, दत्तात्रेय महान ज्ञानी थे। वशिष्ठ महान कर्मी थे। व्यास महान पंडित थे। कपि, हनुमान जी महान भक्त थे। नारद ये भी भक्त थे। शुक यानी सुखदेव ज्ञानी थे। मुनि मननशील ध्यानी थे। जोरी नाम जोर करके बैठे सभा शंभु सनकादिक, शंभु शिव जी महान योगी और ज्ञानी। सनकादिक का मतलब होता है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये चारों को सनकादिक से कहा जाता है। जहां कहा जाए सनकादिक यानी सनक आदिक, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों ज्ञानी थे। ये सब सभा में बैठे हैं, तहां फिर अधर कटोरी, सबके अधर पर ओठ पर अमृतरस अनुभवरस की कटोरी फिरती। अम्बरीश और जाग जनक जड़ से सहसमुख फाना, कालो गनो अनंत कोटलो अमाल माल दीवाना। अम्बरीश भक्त, याग यानी यागबलक ज्ञानी, जनक ये भी ज्ञानी, जड़ यानी जड़ भरत महाज्ञानी, शेष भक्त, साहसमुख कहा जाता है। शेष जी साहसमुख के थे, हजार मुख के थे, हजार मुख का कोई नहीं होता है। शेष नागों के राजा थे, मनुष्य थे। नाग नाम नागवंशी, जिसे नागालैंड, नागपुर, ये नागवंशियों का है। तो नागवंशी लोग बड़े योग्य होते थे, प्राय गोरे भी होते थे, सुंदर, सुशील, सदाचारी। नागवंशियों को लोग न समझ करके आगे नाग नाग सांप सांप कहने लग गए। तो नागवंशियों का जो राजा था उसका नाम था शेष। पंडितों ने नागवंशियों को अपने में पचाने के लिए, उनके राजा को छोटा बनाने के लिए उसको बना दिया सैया, और विष्णु को अपने देवता को उस पर बैठने वाला, सोने वाला बना दिया। ये सब चढ़ा ऊपरी की बातें हैं। सांप नहीं थे शेष जी, उनके हजार फण नहीं थे। तो शेष कहानों गनो अनंत कोटलो, कहां तक बताऊं, अनंत करोड़ तक। अमहल महल दीवाना, अमहल का मतलब है जो घर में न रहे, महल का मतलब जो घर में रहे, इसका लाक्षणिक अर्थ है त्यागी और गृहस्थ। ये सब दीवाने हुए। ध्रुव प्रहलाद विभीषण माते माती शिवरी नारी, ध्रुव प्रहलाद विभीषण और शिवरी नारी ये सब भक्त थे। ये भक्ति मत वाले हुए। निर्गुण ब्रह्म माते वृंदावन, वृंदावन में निर्गुण ब्रह्म मान करके कितने मत वाले हुए। अजहू लाख कुमारी यानी श्री कृष्ण महाराज निर्गुण ब्रह्म थे और सगुण रूप में आए, ऐसा मान करके कृष्ण भक्त वृंदावन में खूब मत वाले हैं, नाचते हैं। अजहू लाख कुमारी, वो खुमारी नशा आज भी चढ़ा है भक्ति का, ज्ञान का, चारों तरफ देखो। सुर नर मुन यत पीर औलिया जिन रे पिया तिन जाना। सुर नर, सुर देवता, नर मनुष्य, मुनि मननशील, यत त्यागी, पीर औलिया, पीर नाम मुसलमानों के गुरु, औलिया नाम मुसलमानों के तपस्वी। जिन रे पिया तिन जाना, जिन्होंने अमृत प्याला पिया वही जानते हैं। कहें कबीर गूंगे की शक्कर क्यों कर करे बखाना। साहब कहते गूंगा शक्कर खाए तो कैसे वर्णन करेगा, क्योंकि कहा नहीं जा सकता, उसका केवल अनुभव हो सकता है। जो उस साधना में पहुंचता है वही उसका रस जानता है। यहां साहब बहुत व्यापक दृष्टि से कहते हैं, यद्यपि बीजक में इनमें से बहुतों का नाम ले लेके भी खंडन करते हैं। जहां गलत देखते वो खंडन कर ले तो छोड़ते ही नहीं। जो अंश गलत होगा बिना कहे नहीं रहे, लेकिन जो उनका सही अर्थ है, सही अंश है, उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रहेंगे। कबीर साहब की ही विशेषता है, कबीर कोई पंथ वाले नहीं थे। ये भी समझ लेना होगा कबीर साहब कबीर पंथी भी नहीं थे। कबीरपंथी हम लोग हैं, कबीर साहब कबीरपंथी नहीं थे। वे कोई पंथी नहीं थे, उनका कोई शास्त्र नहीं था, उनका कोई अमुक रूढ़ ईश्वर नहीं था,
उनकी कोई जाति नहीं थी, वे मनुष्य थे, मनुष्यता की बात कहते थे, सही सबका, सबके सही का आदर करते थे और सबके गलत का बिना कोई लाग लपेट के सीधा सीधा कहते थे। और ये उनकी सच्चाई और अच्छाई दिन जितने बीतते जा रहे हैं दुनिया में गूंजती चली जा रही है। जब तक रूढ़िवादी विचार ज्यादा थे, कबीर साहब के विचार बहुत रुके थे। पंडित बड़ा चतुर होता है, जो समझदार पंडित होता था कहता था, अरे कबीर को क्या पढ़ोगे, कबीर बहुत अगम अपार हैं और बहुत ऊंची बात कहते हैं, उनको समझना बहुत मुश्किल है, कबीर को क्या पढ़ोगे, ऐसा कहा करके आम जनता को कबीर से पंडित रोकता था। और जो भड़ेहर पंडित होते थे, कम समझ के कहते कबीर को मत पढ़ो, वो सबका खंडन करते हैं, नास्तिक है, तो ऐसे लोग तो कम सफल होते थे। लेकिन जो कह रहे कबीर को क्या पढ़ोगे, तो बहुत अगम अपार है, वो समझ ही नहीं पाओगे, बड़ी ऊंची चीज है, वो तो सन्यासियों के लिए, वो ज्यादा सफल होते थे। दिन जितने बीतते गए, विज्ञान का प्रकाश बढ़ा, इधर समाजवाद बढ़ा, भारत आजाद हुआ, पूरी दुनिया में क्रांति फैली, रैशनल विचार फैले, अब भूमिका कबीर के विचारों के फैलने के लिए खूब हो गई। दिन जितने बढ़ रहे हैं कबीर के विचार फैलते हैं। इसी प्रयाग विश्वविद्यालय में एक दो छात्र कबीर पर रिसर्च करना चाहे तो लोग कहते थे, भाई क्या करोगे, तो मैं ही नहीं समझा पाऊंगा, प्रोफेसर लोग। आवाज सर्वाधिक रिसर्च करने वाले कबीर पर है। यहां तक विद्वान ने, वहां के हिंदी विभाग अध्यक्ष ने बताया कि 70% कबीर पर होता और 30 में सभी कवि, ये आश्चर्य है। तो प्रयाग विश्वविद्यालय के विद्वानों ने कबीर का पाठ कड़ा किया कि जिससे बड़ा उधर से थोड़ा रुके, दूसरे कवि को भी देखें, तो वे कह रहे थे कि कोई फल नहीं हुआ और कबीर की तरफ फिर भागे जा रहे हैं। विदेश में कबीर पर इतना रिसर्च आजकल चल रहा है, हर वर्ष अनेक भाषाओं में कबीर पर बहुत लिखा जा रहा है। जितना दिन बीतेगा कबीर उतने समझे जाएंगे, क्योंकि वे सत्य के उपासक थे, सत्य कहते थे, उनका हृदय संत था, इसीलिए वो संत सम्राट कहे जाते हैं। तो साहब यहाँ सब का नाम लेकर के सब की मानव वंदना करते हैं, ये सब भक्ति ज्ञान योग में रस में माते, इसलिए सबको चाहिए कि जिस विधा को प्राप्त हो निर्मल चित्त से विषयाशक्ति त्याग करके साधना में रमे। मातु जन रंगी संतो मते मातु जन रंगी पियत पियाला प्रेम सुधारस पियत पियाला प्रेम सुधारस मतवाले सतसंगी मतवाले सतसंगी संतो मते मातु जन रंगी संतो मते मातु जन रंगी भाठीरो पिन ले कसारत गारी मूंद मदन काटी कर्म कसमल संतति चुवत अगारी संतो मते मातु जन रंगी संतो मते मातु जन रंगी वशिष्ठ व्यास कपि नारद शुक मुनि गोरी बैठे सभा संभूषण का दिक बैठे सभा संभूषण का दिक तहां फिर अधर कटोरी संतो मते मातु जन रंगी संतो मते मातु जन रंगी जनक जड़ ते सहस मुख पाना कहलो गनो अनंत कोटिलो कहलो गनो अनंत कोटिलो महल महल दीवाना संतो मते मातु जन रंगी संतो मते मातु जन रंगी।
विभीषण माते माति से वरी नारी निर्गुण ब्रह्म माते वृंदावन निर्गुण ब्रह्म माते वृंदावन अजहु लाग कुमारी संतो मते मातु जन रंगी संतो मते मातु जन रंगी।